और लिख लीजिए 4 जून, 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। चार जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। भाइयों बहनों, आज 6 मई है, 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा, 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। ओडिशा में पहले करीब 50 साल कांग्रेस और फिर 25 साल से बीजेडी सरकार रही है, लेकिन हुआ क्या, ओडिशा के पास भरपूर पानी भी है, ओडिशा के पास भरपूर उपजाऊ जमीन भी है, ओडिशा के पास जमीन के नीचे खनिज का खजाना भी है, इतना लंबा समुद्री तट भी है, बहरामपुर जैसा ट्रेड सेंटर भी है, ये तो सिल्क सिटी भी है और खाद्य की राजधानी भी है, यहाँ इतिहास भी है, संस्कृति की धरोहर भी है, सब कुछ है। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है, मैं हर बार कहता हूं, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अमीर ओडिशा की, मेरी बात समझना, इतने अमीर ओडिशा की जनता गरीब रह गई।